हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 8 हेरिडिटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मेल प्रोजेनी विल बी अ बॉय। तो क्या रे, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो मेल प्रोजेनी की, मतलब मेल प्रोजेनी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मेल प्रोजेनी यानी कि बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपकी होती है 50%। 50% मेल होने की होती है, 50% ही फीमेल, यानी कि 50% गर्ल और 50% बॉय, ठीक है। सेकंड, हु हैज़ अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो कह रहे कि परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम किस में होते हैं, गर्ल्स में होते हैं, बॉयज़ में होते हैं, या फिर दोनों में होते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स के अंदर कौन से होते हैं क्रोमोसोम, एक्स एक्स एक्स, और इसमें होते हैं बॉयज में एक्स वाई। तो किसके परफेक्ट पेयर है, ये पेयर बन रहा है पूरा एक एक्स एक्स का, यानी कि किस में होते हैं, गर्ल्स में परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जेनेटिक वेरिएशन का है, वन पर्सन हैज अ स्कार बट हिज फ्रेंड डज नॉट। तो एक के पास क्या है, एक मतलब सरकार का मतलब चीने हैं, कुछ निशान है, ठीक है, और वन पर दूसरे के पास नहीं है। तो ये क्या है, ये कुछ जेनेटिक इनफो नहीं है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। वन पर्सन इज ओल्डर देन द अदर, ये भी कुछ नहीं है जेनेटिक वेरिएशन। रीता ईट मीट बट हिज सिस्टर रीता इज वेजिटेरियन। क्या रे, रीता तो नॉन वेजिटेरियन है और गीता वेजिटेरियन है, क्या ये जेनेटिक है? नो, ये भी जेनेटिक नहीं है। टू चिल्ड्रन हैव डिफरेंट आई कलर, यानी कि दो चिल्ड्रन है और दोनों का जो आई कलर है वो अलग अलग है। तो आई कलर तो कहाँ से आया होगा, उनके पेरेंट्स से आया होगा इनमें, ठीक है। तो पेरेंट्स की कुछ जीन्स इनमें आए हैं, तो ये क्या है, जेनेटिक वेरिएशन। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन, कह रहे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि ये कह रहे जीन्स किस में एक्सचेंज होते हैं, यानी कि जीन जीन किस में, वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। तो क्या होता है कि किसी प्लांट का पुराना पार्ट लिया और उसको लगा दिया, यानी कि एक ही पार्ट है। और असेक्सुअल में भी वही होता है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन में, सेक्सुअल में दो पेरेंट हो गए, ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है। तो जो प्रोजेनी बनेगी, कुछ कैरेक्टर तो मेल के आएंगे और कुछ कैरेक्टर किसके आएंगे, फीमेल के आएंगे, यानी कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। कुछ जीन्स इसके आ रहे हैं मेल के और कुछ जीन्स आ रहे हैं फीमेल के, तो क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो किस में होता है ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बडिंग भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। कह रहे कि जो चाइल्ड होगा उसका जो सेक्स है कौन डिसाइड करेगा, मेल गैमेट डिसाइड करेगा या फीमेल गैमेट करेगा, या दोनों डिसाइड करेंगे, या फिर मदर डिसाइड करेगी, ठीक है। तो आपको पता है जो फीमेल होती है उसमें कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स, ठीक है, और मेल में क्या होता है, एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई, या स्पर्म में क्या क्रोमोसोम होते हैं, एक्स वाई, और ओवा में होते हैं एक्स एक्स, यानी कि इसका एक्स, ये तो हमेशा एक्स ही देगा, ठीक है। इसके पास चॉइस है कि ये एक्स देगा, अगर ये एक्स देगा मेल के स्पर्म में से एक्स आया है तो क्या बनेगा, गर्ल बनेगी। और अगर इसमें मेल के स्पर्म में से क्या निकला है, वाई, तो एक्स वाई हो जाएगा, यानी कि बॉय बनेगा, ठीक है। यानी कि किस पे डिपेंड हो रहा है, ये स्पर्म पे डिपेंड हो रहा है। अगर स्पर्म में से एक्स आ रहा है क्रोमोसोम तो गर्ल बनेगी, क्योंकि इसमें से तो हमेशा एक्स ही निकल के आएगा, ठीक है। तो यानी कि इस पे डिपेंड करेगा, अगर एक्स आ रहा है तो मेल, एक्स एक्स यानी कि एक्स आ रहा है तो फीमेल यानी कि गर्ल, और वाई आ रहा है तो बॉय यानी कि मेल। तो किस पे डिपेंड हो रहा है, मेल गैमेट्स पे, यानी कि स्पर्म पे, मेल गैमेट पे, तो ये आ जाएगा इसका। 6, द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर ऑलवेज द सेम। कह रहे हैं जो जीनोटाइप्स और फिनोटाइप है क्या हमेशा सेम रहे ना, तो क्या आएगा, फॉल्स। जीन्स की वेरिएशन अलग होती है और फिजिकल वेरिएशन अलग होते हैं, ठीक है। द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज, तो साइंस जो है हेरिडिटी को उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। मेंडली एक्सपेरिमेंट वर बेस्ड ऑन द स्टडी, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करा था वो किस पे करा था, किस पे किया था, पी प्लांट्स पे, ठीक है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द ट्रांसफर ऑफ द ट्रांस, ये दो बार लिखा गया, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज नॉन एज। ये कह रहे हैं कि जब ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का एंथर से, ये मान लो क्या है, पोलन ग्रेन है, ठीक है, और ये क्या है, स्टिग्मा है।
तो पोलन ग्रेन जब भी ट्रांसफर होता है तो इस ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा पे। ठीक है, एंथर होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्टम का पार्ट, और ये होता है फीमेल का। ठीक है, तो जब भी एंथर पोलन क्या होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। जब हम इसमें से क्या जाएगा, पोलन ग्रेन किस पे जाके गिरेंगे, स्टिग्मा पे एंथर से, तो बोलते हैं पॉलिनेशन। अब क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इन लिविंग ऑर्गेन्स। कह रहे इनमें से ये जो चार चीज़ें दे रखी है, तो इनमें से क्या रेस्पॉन्सिबल है कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स आते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उनके पहचान या ट्रेट्स आते हैं, मतलब कैरेक्टर्स आते हैं पेरेंट्स, यानी कि मेल बॉय, ठीक है, मेल और फीमेल। ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों के कुछ ना कुछ कैरेक्टर इसकी इनकी प्रोजेनी में जाएंगे। ठीक है, प्रोजेनी कुछ कैरेक्टर फीमेल के जाएंगे, कुछ मेल के जाएंगे, तो क्या इनमें से कौन सा वो कारण है, तो कौन सा कारण हो जाएगा, जीन्स, क्योंकि स्पर्म, स्पर्म में क्या जा रहे हैं, जीन्स, कुछ जीन इसके जाएंगे, कुछ जीन्स इसके जाएंगे, तो यानी कि जो जीन्स है उसमें इसके कैरेक्टर है मेल के, और इसमें फीमेल के कैरेक्टर है, तो जीन्स क्या लेके जा रहा है, ये ट्रेट लेके जा रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो क्या जाएगा, ए। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर आ रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करो और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।